क्वालिटी अच्छी है क्योंकि गैलियो का है। कुछ भी बकेट वगैरह नहीं करवाए, नॉर्मल है। और ये फिटिंग अच्छी है, सेमी बकेट थे ये इतने वाले। तो हो गई है अपनी सर्विस डन, गाड़ी की बिल्कुल चमचमा रही है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। कल गया था दिल्ली करोल बाग, वहां से कुछ सामान लेकर आया था। दिखाता हूं क्या क्या आइटम है। जो आइटम कंपनी से लगा रहा हूं वो तो आपको दिखाई दिए हैं, अब जो बच रही हैं वो है ये, है ये वाले डिब्बे में। देखो गैलियो का ही है, यहाँ पर हमारे यहाँ ब्रांडेड मिल नहीं रहा था इस कंपनी का गैलियो का, तो इस वजह से वहीं से लेकर आया हूँ मैं। तो ये है अपना साइड पट्टी जो होती है, साइड मोल्डिंग। और ये जो है, ये है स्पॉयलर। स्पॉयलर भी थोड़ा सही सा लगता है, लुक बढ़िया देता है देखने में, तो वह वो फिट होगा। और तीसरी चीज़ जो लाया हूँ वो है अपने ये रखा है, ये सीट कवर्स। मैं ये लेकर आया था एक्चुअली ये सोच के कि जिसे रखे रहता हूँ कुछ टाइम बाद लगवा लूँगा, घर में पड़े पड़े भी बेकार ही होंगे, चलो लगवा लेते हैं। लेकिन फिलहाल स्टैंड वही है अभी अपना, कि ये गंदे हो जाएं जो एग्जिस्टिंग हैं तो कुछ टाइम बाद लगवा लो, उससे थोड़ा सा नया भी फील आता है कि हमने कुछ कार में नया करा, थोड़ी बोरियत सी जो होती है थोड़ा सा नया फील आ जाता है, और बाकी लॉजिकल भी लगता है। अब चलते हैं यार रुद्रपुर और इन सामान को फिट कराते हैं। दूसरी चीज़ सर्विस भी होनी है, सर्विस का टाइम पूरा हो चुका है, 1400 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, तो वहाँ भी चलेंगे, सर्विस वगैरह सब निपटा लेंगे। तो भाई अपने जो सीट कवर हैं वो हैं, और ये प्लेन ब्लैक है, लेकिन पूरा का पूरा जो आपको बताया जाता है कि भाई पसीना नहीं आएगा, और हैवी है काफ़ी पूरा इस मटेरियल में, मुझे प्लेन थोड़ा सा ही लग रहा था। और दूसरी चीज़ हल्की पाइपिंग होती वो और अच्छी लगती, लेकिन वहाँ पर रेडिली अवेलेबल नहीं था, ये था टाइम मेरे पास था नहीं, 3 घंटे और लगते बनाने में, मैंने कहा कोई बात नहीं ठीक लग रहा है, लगवाने वहीं आया हूँ अपना साई कार शॉपी पर। ये लग रही हैं, लुक थोड़ा सा कम्प्लीट हो जाता है, जैसे काफ़ी बड़ा डोर है, हाइट ज़्यादा है तो इस वजह से ये लग के लुक प्रॉपर हो जाता है। भाई ये वाला है अपना जो लेकर आए हैं स्पॉयलर, प्री पेंटेड है, पेंट की जरूरत नहीं है, विदाउट लाइट वाला है। लाइट में ये होता है कुछ टाइम बाद थोड़ी सी डल पड़ जाती है, ख़राब हो जाए तो फिर आफत ही है, तो मैंने विदाउट लाइट वाला ले लिया। और क्वालिटी अच्छी है क्योंकि गैलियो का है। इसमें स्टिक करने के लिए भी पीछे से हैं, और दूसरा साथ में क्लिप भी हैं, ये क्लिप भी लग जाएंगे, ये भी पेंटेड है पूरे, तो रस्टिंग का इशू नहीं है। पीछे जो वो है अपना वो छूट के जो टेप है डबल साइडेड वो चिपक भी जाएगा और ये क्लिप होल्ड कर लेगा उसे। साइड में दिए हुए हैं स्लॉट और उसमें ऐसे करके बस यहीं पर ये टाइट हो जाएंगे। रेडी हो गया अपना, बिल्कुल फिक्स हो गया है, जो चिपकना था वो चिपक भी गया, ठीक है। बाकी वैसा तो नहीं है गिरने गिराने वाला, नहीं भाई ज़्यादा ही दम लगा रहा था तू तो ठीक। तो ये हो गया साइड, जो अपने प्रोफाइल है वो ऐसे एनहांस हो गई हैं, और मेन चीज़ सीट कवर, उसका एक बार लुक दिखाता हूँ आपको। सीट कवर कुछ ऐसे लग रहे हैं, ये देखो, कुछ लोगों को लग रहा होगा बहुत ही बेसिक सा कि भाई प्योर ब्लैक है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। कुछ भी बकेट वगैरह नहीं करवाए, नॉर्मल है। और ये फिटिंग अच्छी है, सेमी बकेट थे ये इतने वाले, और बैठने में थोड़ा ये अपने आप सेट हो जाएगा, जगह ले लेगा। बाकी फिलहाल इंटीरियर अच्छे हो गए हैं, सेट हो गया मामला। बाकी फिलहाल ये ऑलमोस्ट हो गया, आप धुलेगी उलेगी गाड़ी, सर्विस वगैरह होगी, चलते हैं सर्विस सेंटर। तो हो गई है अपनी सर्विस डन, गाड़ी की बिल्कुल चमचमा रही है, और सही रहा टोटल एक्सपीरियंस, मतलब 2.5 घंटे लगे, कहने को कुछ भी नहीं हुआ इसमें, कोई काम नहीं है, कोई जॉब नहीं था, सिर्फ वॉशिंग और जनरल चेकअप, लेकिन फिर भी 2.5 घंटे लगे। मैं चलो कोई बात नहीं, मैं 2 घंटे मान के लेकर गया था कि अपने लग गई है जो साइड ब्लीडिंग है वो, और पीछे लग गया स्पॉयलर। लुक काफ़ी एनहांस हो गया गाड़ी का, ये चीज़ कन्फर्म है। अपने नोटिस करा होगा अपने जो रिम हैं वो सिल्वर ही हैं, सब कह रहे थे भाई ब्लैक करा लो, तो अपना जो डिसीजन था वो ये था कि गाड़ी जैसे ही मैं नहीं लूँगा तो तुरंत के तुरंत जो 14 इंच के व्हील होते हैं, रिम होते हैं, वो ब्लैक ही आते हैं, वो लेकर और एक्सचेंज कर लूँगा टायर वाले से, तो नई में ही जो अगला अपर वेरिएंट में आते हैं ना टायर वो लग जाते हैं। लेकिन भाई 14 इंच वाले रिम मिले ही नहीं, कितनी जगह मैंने देख लिया, बूढ़मो से भी 12 से 15 दिन लग रहे थे आने में, तो वो फिर कैंसिल हो गया, कैंसिल हो क्या गया, अब 6-7 दिन में गाड़ी इतनी चल गई है तो अब ये देने का फ़ायदा नहीं है। तो अब यह है कि इसी को मैं ब्लैक करवाने आया हूँ ये यहाँ पर, तो अब इसको करवाते हैं ब्लैक, और आज इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि कल सर्विस हुई थी,
पॉलिश लग रही है साइडों में टायर पे ना। ओहो साइडों में टायर पे पॉलिश लग रही है तो पेंट भी साइड होगा, इजीली छूट जाएगा। बाकी मैट ब्लैक करवा रहा हूँ, जो भी आता है पेंट वो मैट ब्लैक होता है, ग्लॉसी तो बहुत थर्ड क्लास लगता है। तो जो एग्जिस्टिंग होते हैं जैसे ये हैं अभी, इस पर आप देख रहे हो शाइनिंग वाला है ये, है ना, तो इस पर क्लियर कोट भी लगा होता है ऊपर। अब इस पर अगर डायरेक्टली चाहता मैं जो स्प्रे होता है वो स्प्रे मार सकता था इस पर, लेकिन मेरा फ्रेंड ही है जिसकी शॉप है तो उसने यही बताया कि डायरेक्टली इस पर स्प्रे मारोगे वो चढ़ेगा नहीं, और स्प्रे वाला जो है वो तेल वगैरह लग के पेट्रोल लग के छूट जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो प्रॉपर पेंट होता है मैट ब्लैक वो करवा रहे हैं, और पहले जो कर रहे हैं पहले बहुत हल्का वाला जो सैंड पेपर होता है रेगमाल उसे लगा के भाई जो ऊपर का क्लियर कोट है ना उसे साफ़ कर ले रहे हैं, जिससे जो पेंट होगा वो ग्रिप अच्छे बनाएगा। अगर उस समय जो सोचा था मैंने कि 14 इंचर लग जाए इसमें तो भाई इतना मज़ा आ जाता, क्योंकि सिर्फ 995 रुपये का एजेंसी में इसका प्राइस था, चार पीस आते अपने 4000 रुपये के, और जो टायर का एक्सचेंज हो रहा था तो जानने वालों की शॉप थी सिर्फ 1200 रुपये लग रहे थे, टायर भी नए आ जाते, तो एक साइज़ ऊपर हो जाता टायर का और बाकी साइड प्रोफाइल तो सेम रहती है लेकिन जो चौड़ाई है वो 10 mm बढ़ जाती है, ये चीज़ सही होती है। तो 5000 रुपये में काम हो जाता उस समय, लेकिन मिले नहीं, ये चीज़ गड़बड़ हुई, अब यही करवाना पड़ रहा है। अब इन पे मार रहे हैं भाई एयर, क्योंकि पूरा साफ़ करना है, सुखाना है बिल्कुल, उसके बाद ये होगा अपना। ये देखो जो शाइनिंग जैसी थी वो ख़त्म हो गई है बिल्कुल, क्लियर कोट टूट गया ऊपर से। और अगली चीज़ ये है अपनी स्टेपनी, जो स्पेयर टायर था वो भी इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि अगर अंडर साइज आ रहा होता तो ये होता कि कभी कभी अगर पंचर हो गया तब लगाना है, फिर उतार के रख देना है। अब यह है सेम बिल्कुल प्रोफाइल सेम साइज़, तो इसको भी मैं रेगुलरली यूज़ करूँगा, जैसे वो होता टायर रोटेशन तो 4 का रोटेशन ना करके 5 का करूँगा, इसीलिए इसको भी रेडी करवा रहा हूँ कि जब इसको यूज़ करना है तो ये अलग ना लगे। अब ये मास्किंग हो गई है पूरी, क्योंकि जो लग थे वो कलर नहीं होने थे, तो पूरी मास्किंग कर दी है जो नोज़ल है उस पर और लग्स पे, सभी पे जितने हैं सब पे हो गई है। अब तैयार हो रहा है पेंट और फिर उसके बाद देखते हैं पेंट होने के बाद आउटपुट कैसा आएगा। तो भाई से यही कहा था जो व्हील आर्चेज है इनको कवर नहीं कर रहा, तो अगर बहुत हल्के हल्के मारूंगा, ज़्यादा स्पैन होगा ही नहीं, फैलेगा ही नहीं। तो भाई आप भी करवाना, कभी भी ये काम करना है तो करवाना तरीके से, जैसे इस पे देखो इन्होंने बताया कि क्लियर कोट पहले उतरेगा, बहुत हल्का रेगमाल मारा और उसके बाद मैट वाला हुआ। अब आप इसकी फिनिशिंग देखो ज़रा, कितनी सही फिनिशिंग आ रही है, क्या बात है, बिल्कुल कहीं से भी अनइवन नहीं लग रहा। तो ये है फाइनल जो काम हुआ है, जो हब कैप है वो लगा दी है और बाकी जो लग्स थे कवर किए थे मास्किंग टेप से वो भी हटा दिए। अब इसके ऊपर बस रह गया अपना जो व्हील कवर है वो लगना है। पहले जो व्हील कवर थे वो हाईलाइट नहीं हो रहे थे, यही थोड़ी सी दिक्कत होती है। अब खुद आप सोचो ऊपर जो है ये अपना ग्लॉसी होता है व्हील कवर, और अगर अंदर भी हम ग्लॉसी करा लेंगे तो कितना भद्दा लगता है वो, इसीलिए अंदर मैट कराते हैं, कंपनी से भी जो आता है मैट आता है अंदर से। और अब देखो बहुत सही हो गया अब काम पूरा, आपने काम करने का तरीका भी देख लिया। तो इन 5 को करने में रुपए लगे हैं कुल 600 रुपए में अपना काम हो गया। बाकी अगर मैं स्प्रे कैन करता तो करीब 200 रुपए मेरे उसमें जाते, और बाकी वो क्वालिटी नहीं हो पाती जो आप प्रोफेशनल तरीके से हुआ है काम।